अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसकी वजह से बाल काफ़ी पतले हो गए हैं और साथ ही साथ बाल लंबे नहीं होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी नहीं हैं, और अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आज की वीडियो मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ ये हेयर ग्रोथ मास्क, जिसको कि मैंने बनाया है कैस्टर ऑयल से और बहुत आसानी से इसको मैंने घर पे बनाया है, जो कि बहुत ज़्यादा यू नो 2-3 गुना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके बालों को लंबा करने के लिए। ये आपके हेयर को, डैमेज हेयर को भी बहुत जल्दी रिपेयर करता है, आपके स्कैल्प को काफ़ी हेल्दी बना करके आपके बालों को काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। कैस्टर ऑयल का सीड कुछ इस तरीके से दिखता है, जिससे कि कैस्टर ऑयल बनाया जाता है, इससे तेल को निकाला जाता है। अगर आप लोगों ने देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपके शहर में भी, आपके स्टेट में इस कैस्टर ऑयल के पेड़ को, जो कि इस तरीके से दिखता है, आप किस नाम से जानते हैं या किस नाम से आप इसको बुलाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्रीज़ में इसका अलग अलग नाम होता है। बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरीके से ये कुछ इसका हरा बीज होता है, जब ये पक जाता है तो जो कि कुछ इस तरीके से हो जाता है, और उसके बाद फिर पकने के बाद इसके बीज से तेल निकाला जाता है। तो इसका कैस्टर ऑयल निकालने का ये प्रोसेस होता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे हेयर की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ जिंजर यानी अदरक का इस्तेमाल किया है। अदरक यानी जिंजर हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, बालों में मौजूद इरिटेशन, डैंड्रफ, इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके बालों को हेल्दी यानी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड हमारे बालों को शाइन देती है और बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जिंजर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल कंट्रोल होता है और हेयर ग्रोथ बढ़ती है। तो जिंजर बहुत ज़्यादा ऐसे ही बेनिफिशियल होता है हमारे हेयर के लिए, हेयर स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए। तो हमेशा जिंजर का इस्तेमाल करते रहना चाहिए बालों को हेल्दी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने जिंजर को इस तरीके से कस कर लिया है। अब हम इसका निकालेंगे जूस। बेसिकली हमें जूस निकालना है, जिस मेथड से आपको सही लगता है उस मेथड से आप इसको जूस निकाल सकते हैं। ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिए, या फिर इस तरीके से कद्दूकस करके आप इसके रस को इस तरीके से निचोड़ के निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए, अदरक का जूस इस तरीके से थोड़ा सा निकाल लिया। कम से कम 2-3 चम्मच हमें यहाँ पे अदरक का जूस चाहिए होगा इस कैस्टर ऑयल हेयर मास्क को बनाने के लिए। यहाँ देखिए, हमने अदरक का जूस निकाल लिया है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे। कैस्टर ऑयल में मौजूद एंटीबायोटिकल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो कि हमारे हेयर के स्कैल्प को हेल्दी रखने में बहुत हेल्पफुल होती है, और साथ ही साथ ये हमारे हेयर को डीप मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखता है। साथ ही साथ इसमें मौजूद विटामिन ई हमारे बालों को नरिशमेंट देता है और बालों को शाइनी और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। कैस्टर ऑयल इतना ज़्यादा थिक और गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से आप इसको डायरेक्ट अपने हेयर पर नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऑयल शेयर किए हैं इसके, तो आप चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं और इस तरीके से इसका हेयर मास्क बना के हेयर को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1-2 चम्मच कैस्टर ऑयल लिया है। उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है आपका ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को यहाँ पे 2-2.5 चम्मच मैंने कैस्टर ऑयल में 1 चम्मच एलोवेरा जेल को डाला है। उसके बाद अच्छे से इसको एक हम पेस्ट बना लेंगे, इस तरीके से साइटी से मिला करके, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिख रहा है। मैक्सिमम आपको सबसे ज्यादा क्वांटिटी में आपको रखना है कैस्टर ऑयल, मतलब 2-2.5 चम्मच कैस्टर ऑयल रखिए और 1 चम्मच आप रखिए आपका एलोवेरा जेल। उसमें जिंजर, यहाँ पे जितना आपने कैस्टर ऑयल लिया है लगभग उतना हमें इसमें ऐड करना है जिंजर का जूस यानी अदरक का रस। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला करके हमें एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो जब तक मैं ये पेस्ट तैयार कर रही हूँ, फटाफट, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पुराने हैं तो आपको तो सब कुछ पता ही, आपको क्या बताना। फिलहाल देखिए, हमारा ये पेस्ट जो है तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया। आप इसको झटपट बनाइए, झटपट इस्तेमाल करिए इसको। बस हमें अपने बालों के स्कैल्प पे और हेयर रूट्स पे और हेयर पे अच्छे से अप्लाई करना है। अगर आपके बाल थोड़े डैमेज भी हुए होंगे तो ये जल्दी से बहुत फास्ट आपके बालों को रिपेयर करेगा और बहुत अच्छा शाइन भी आपके बालों में देता है। पहली बार आप जब लगाएंगे ना, तो रिजल्ट उसके बाद ही आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपके बाल काफ़ी शाइनी, हेल्दी और स्कैल्प भी काफ़ी हेल्दी होता है। बहुत लोग को डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, उसको भी दूर करता है। देखिए, बेसिकली ये आपके स्कैल्प पे जाकर के काम करता है, जिसकी वजह से आपके बाल हेयर ग्रोथ भी होगी और आपके बाल बहुत जल्दी लंबे होंगे। तो देखिए, इसको लगाना कैसे है। बस सिंपली आप ग्लव्स पहन लीजिए हाथों पे, उसके बाद पूरे बालों के स्कैल्प यानी रूट पे लगाइए। उसके बाद
आपने बालों पे भी अच्छे से लगा लीजिए। लगाने के बाद हाफ एन आवर इसको अपने बालों पे रहने देना, कम से कम आधे घंटे इसको रहने दीजिए। कम से कम आधे घंटे बाद शैम्पू, जो आप नॉर्मल शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, उस शैम्पू से अच्छे से बालों को धो दीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार इसको अप्लाई करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और हाँ, अप्लाई करने के बाद कम से कम 1 महीना ट्राई करिए, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ज़रूर बताइए कि आपके हेयर फॉल गए, कुछ हेयर ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, उन सभी के साथ जिनको लंबे बाल पसंद है। इससे आपके बाल की ग्रोथ भी बढ़ेगी और बाल लंबे भी होंगे और स्ट्रॉन्ग भी होंगे। तो मिलती हूँ अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, आई लव यू, टेक केयर।